सर, मैं परशुराम कश्यप, मैं अभी संस्कृति एवं क्रीड़ा सचिव के लिए अभी इस पद के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। कितना समय से प्रैक्टिस चल रही है आपकी? मैं सर वर्ष 2002 से मैं प्रैक्टिस में हूँ, लगभग 22 साल होने जा रहा है और मैं लगातार नियमित मैं वकालत के प्रैक्टिस में नियमित आ रहा हूँ। मैं लोगों के बीच में बिल्कुल रहा हूँ मैं, और मैं जो है संस्कृति एवं क्रीड़ा सचिव के पद पर आया हूँ। तो मैं जो है सांस्कृतिक क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ से ही मैं जो है सांस्कृतिक प्रोग्राम में ही बहुत सारे मैं प्रोग्राम्स वगैरह दिया हूँ। मेरा फ्लूट में भी हुआ है, बांसुरी में मेरा बांसुरी वादन वगैरह आकाशवाणी दिल्ली दूरदर्शन वगैरह से मेरा जो है प्रसारित होता था मंडलियों के साथ में, और बहुत सारे गाँव में मैंने प्रोग्राम्स वगैरह दिए हुए। मैं सभी मतदाताओं से मैं अपील करना चाहता हूँ कि मुझे जो है भारी बहुमतों से विजय बनाएं और मैं उनके जो है अधिकार जो होता है उनका जो है सभी प्रकार के मैं उनके सेवा के लिए मैं तत्पर रहूँगा। नाम एडवोकेट आयुज सरकार है। मैं एक साल सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर चुका हूँ और अभी मैं 2019 से हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रायपुर में क्रिमिनल केसेस ज़्यादातर देखते रहता हूँ। और वकीलों के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? जी, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो महिला सेफ्टी और महिला की साफ़ सफाई, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो शौचालय है वो काफ़ी गंदा रह रहा है। तो जो मेरा पहला मुद्दा है वो हमारी बहनों के लिए है कि उनको उनकी स्वच्छता, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ होता है, आप देख सकते हैं, उनके लिए मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसके लिए मैं हाईकोर्ट में अपील करने वाला हूँ कि जो एक कॉमन शौचालय महिलाओं के लिए जो साफ़ सफाई रहे उनको लेकर, और 5 साल से कम जो भी नए अधिवक्ता हों उनको बार की तरफ से कुछ पैसे दिए जाए, जिससे उनको हमारे जुडिशरी में आने के लिए, हमारे बार में आने के लिए उनको प्रोत्साहन मिले और लोग इधर उधर ना जाकर इस चीज़ को, जो लिटिगेशन है उसकी अहमियत को जाने, और पैसे के पीछे ना जाकर भी जो उनको मेहनत कर रहे हैं कम से कम सुबह शाम उनका जो पेट्रोल का खर्च आम खर्च होता है वो निकले। तो ऐसी ज़रूरी मुद्दों को जो मैंने देखा है बींग एडवोकेट, जो मुझे लगता है उन पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ के थ्रू मैं यही करूँगा, क्योंकि जैसे हम कहते हैं मीडिया चौथा पिलर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे इंडियन पार्लियामेंट का चौथा पिलर है और आपके पास बहुत शक्ति है। तो एक ही अपील करूंगा कि हाँ, जितने भी अधिवक्ता है वो सब वोट करें, और वोट केवल ये देखकर ना करें कौन है, कैसे है, क्या है, सारी चीज़ों को देखें, समझें, नए लोग, पुराने लोग, जैसा हमेशा कहना है कि अनुभव के साथ जब नए लोग आते हैं, युवा शक्ति जब जुड़ती है अनुभव के साथ, तो शायद वो कुछ और ही चमत्कार करके दिखा सकती है, और जो बाहर में शक्ति है, जो अधिवक्ताओं के अंदर शक्ति है, दुनिया बदलने की शक्ति है। तो वैसा हम सबको चाहिए कि हमारा रायपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी, जैसे बिलासपुर हाई कोर्ट है हमारा एशिया लार्जेस्ट कोर्ट, उसी तरह से ये कोर्ट भी दिल्ली की कोर्टों से या मुंबई की कोर्टों से तुलना की जा सके भविष्य में। मेरा नाम उर्वशी घोष है, मैं महिला कार्यकारिणी के पद के लिए उम्मीदवारी प्रस्तुत कर रही हूँ। मुद्दे तो बहुत है महिला कार्यकारिणी के लिए, तो बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ, मगर वॉशरूम की सुविधा नहीं, अच्छी साफ सुथरा नहीं है, और एक हम लोग कॉमन रूम के लिए डिमांड कर रहे हैं, सब कोई एक कॉमन रूम रहेगा तो महिलाओं के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं रहती है महिलाओं की जो हम सीनियर सर से डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तो एक महिला कॉमन रूम रहेगा तो हम सब उसमें मैम रहेंगे, जो भी रहेंगे, तो हम लोग थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए। मीडिया के माध्यम से मैं यही अपील करूँगी कि मुझे बहुत अपने बहुमूल्य मत देकर मुझे विजयी बनाएं और एक मौका दे मुझे कार्यकारिणी पद के लिए। पंकज कुमार धोटे, अधिवक्ता, कार्यकारिणी पद हेतु इस बार अपनी उम्मीदवारी पेश किया मैंने। आप अपने बारे में बताइए। सर, मैं यहाँ 2019 से अधिवक्ता व्यवसाय में कार्यरत हूँ, और चूंकि चुनाव में मेरे आने का एक मकसद ये रहा है सर कि हमारे जो युवा अधिवक्ता साथी हैं उनकी भी कुछ समस्याएं हैं, और वरिष्ठ जो सदस्य हैं, जो अधिवक्तागण हैं, उनकी भी समस्याएं, जैसे कि आप देख सकते हैं बेतरबी पार्किंग वगैरह दिख रही है आपको, और वॉशरूम के पास भी आप जाओ तो एक स्मेल आ रही है, हाँ सफाई डब है, और थोड़ी सी यहाँ पे रंग रोपण वगैरह ये सब में अभी कोई इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मतलब एक जैसा अपने सिटी के हिसाब से एक हमारा जो कोर्ट होना चाहिए, कोर्ट रूम होने चाहिए, जैसा एक हमारा एक वातावरण होना चाहिए, है ना, वैसा डेवलप वातावरण नहीं दिख रहा है। आज भी ऐसा लग रहा है कि पिछड़े टाइप का चल रहा है सर। तो मैं चाह रहा हूँ कि सर थोड़ा सा कार्यकारिणी में, जैसे अगर मैं चुन करके आता हूँ तो मैं थोड़ा इन सब चीज़ों में जो सजावट, मतलब एक व्यवस्थित एक रूपांतरण करवाऊँ इसमें, और जैसे यहाँ नोटरी हॉल भी आपको दिख रहा है सर, तो मैं इसको व्यवस्थित तरीके से दर्शाना चाहता हूँ सर।
और समस्याएं तो हैं, जैसे मेरी महिला अधिवक्ता जो बहनें हैं उनको भी बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं चाह रहा हूं कि उनका साथ लेकर के और उनकी भी समस्याओं में चर्चा करके अगर उनके द्वारा भी मुझे कोई अगर मार्गदर्शन मिलता है, सुझाव मिलता है, तो उसके प्रति मैं कार्यरत करूंगा। जो मेरे कार्य क्षेत्र में रहेगा मैं उसको डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से करना। मैं वकील भाई और बहनों और वरिष्ठ जो भी सीनियर्स हैं मेरे, सबसे यही अपील करता हूँ कि आप मुझे अपना आशीर्वाद और मत और सहयोग सब प्रदान करें ताकि मैं एक कुशल योजना के तहत कार्य कर सकूं और आप सबका साथ और आप सबका विकास, यही मेरा एक नारा है।